हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑब्जेक्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने से मेरा मतलब है वीडियोस, पावर पॉइंट फाइल या एक्सेल की वर्कशीट, कुछ भी इस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं और उसको वहीं से वर्ड डॉक्यूमेंट में भी एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ड्रॉप कैप, फिर ऑटो करेक्ट, डेट एंड टाइम एंड इक्वेशंस, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ इसको देख के आपको समझ में आ जाए तो यहाँ क्या क्या हो सकता है। वीडियोस, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। ये आपके इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्ड की, जैसे ये होम टैब है, मुझे इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे जो ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जिस पीसी पे मैं काम कर रही हूँ, ये मैक ओएस है, एप्पल का पीसी है या का वो लैपटॉप है, और जिस लैपटॉप पे आप काम करोगे या पीसी पे काम करोगे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो उसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है ये कम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ड है वो बेसिकली विंडोज़ के लिए बना है, मतलब विंडोज़ जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए। मैंने इसको मैक ओएस में इंस्टॉल कर रखा है लेकिन इसमें सारे फीचर्स उसके अप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ रेस्ट्रिक्टेड फीचर्स आ रहे हैं, जबकि आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस आएंगे। मतलब आप यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन भी आएगा, आपका पावर पॉइंट का ऑप्शन भी आएगा और साथ ही साथ में एक्सेल सीट का भी आएगा। जबकि मेरे पीसी में यहाँ पे सिर्फ एक्सेल वर्कशीट के लिए, हम कहें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसी का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि एक्सेल के कुछ जो भी आपके फीचर्स हैं वो, जैसे इंसर्ट करने का, चार्ट इंसर्ट करने का, वर्कशीट इंसर्ट करने का या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने का, वही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। पावर पॉइंट का और वीडियोस का नहीं आ रहा। लेकिन आप जब पीसी पे ये करोगे, सेम इंसर्ट टैब पे जाओगे, यहाँ पे जो मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स भी लिखा होगा। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखा था लेकिन आप वाले पीसी में ऑब्जेक्ट्स लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सारा। फिर इसमें क्या करोगे आप, जैसे मुझे क्या करना है, जो एक माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल सीट मुझे इस वाले वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, तो आपका पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कर्सर कहाँ था, वहाँ पे वो इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है एक तो डिस्प्ले एज आइकन, तो मैंने अगर हटा दूँगी तो आइकन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले एज आइकन पर मैंने क्लिक किया है। और मुझे क्या करना है, एक्सेल की वर्कशीट इसमें इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगी, इसको कहाँ से करूँगी, फ्रॉम फाइल से। यहाँ से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। मेरा फाइल कहाँ है वो मुझे पता होनी चाहिए, तो मेरी डेस्कटॉप में DCK में है। जैसे मैंने कर लिया BCOM वोटर लिस्ट XLS, इसको किया इंसर्ट। जैसे मेरा अब कर्सर यहीं था, यहाँ पे था, इसलिए ये यहाँ पे आ गई है। मैं इसको वो कर लेती हूँ, नीचे ये आया तो आपका यहाँ पे ये एक्सेल वाली सीट ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही ये देखो मेरा क्या खुल गया, एक्सेल वाली जो आपकी सीट है वो ओपन हो गई है। अब मैं जैसे यहाँ पे एक्सेल पे जो काम करती हूँ वैसे इस पे कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ करना है वो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रखे हैं, जो भी आप करना चाहते हो, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो या सॉर्टिंग करना चाहते हो या कुछ भी, जो ऑप्शन आप, जो भी आप काम करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे कुछ एंटर करना चाहते हो, सारे काम आप कर सकते हो। मूविंग बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सेल पे जैसे काम करते हो वैसे आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब मैंने इसको बंद कर लिया। सेम इसी टाइप से
आपके पीसी में, जैसे मेरे सिर्फ एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे वीडियो और पावर पॉइंट का ऑप्शन भी आएगा, वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक किया तो एक्सेल ओपन हो गया, एक्सेल फाइल ओपन हो गई और वो काम करने दे रहा है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं वैसे ही। ऐसे अगर आप पावर पॉइंट ऐड करोगे तो जैसे पावर पॉइंट में आप काम करते हो, वैसे आपका इस वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, और आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो चेंजेस कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो इंसर्ट करके अगर वीडियो प्ले करना चाहते हो तो वो वीडियो प्ले हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक वर्ड की फाइल में भी वीडियोज इंसर्ट कर सकते हो, पावर पॉइंट फाइल इंसर्ट कर सकते हो, एक्सेल की फाइल इंसर्ट करके उसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। फिर आता है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आपका ऑप्शन काम आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डिज़ाइन, डिज़ाइन का मैं चाहती हूँ डी बड़ा हो, तो मैं यहाँ डी को सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करूँगी वैसे ही मेरा ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन वो हो गया, इनेबल हो गया। अब मैंने किया ड्रॉप कैप तो ये डी बड़ा हो गया, 3 लाइन में डी आपका आ गया है। ये कहीं कहीं आपने नोट्स वगैरह में या कहीं बुक्स में भी आपने देखा होगा, जब कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है तो इस टाइप से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो ये है आपका ड्रॉप कैप। फिर आता है आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट का है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रही हूँ द, मैं लिख रही थी द लेकिन गलती से मैंने लिख दिया TEH और मैंने स्पेस एंटर किया, तो देखो ऑटो करेक्ट मतलब वो जैसे मैंने लिख के स्पेस एंटर किया अपने आप उसने उसको सही कर दिया, रिप्लेस कर दिया और फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। अब मैंने लिखा जैसे एडवांटेज, एडवांटेज एक बड़ा हो गया है, मैंने स्पेलिंग ठीक लिख दी है इसकी, जैसे मैंने लिखा एडवांटेज। अब अगर मैंने लिखा है तो ये क्या होगा, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया पर ये ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये इसकी कहीं ना कहीं डिक्शनरी इसके बैकएंड में ये ऐड नहीं है, मतलब रिप्लेसमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि डिक्शनरी में नहीं है, है तभी तो उसने रॉन्ग दिखाया है, लेकिन जैसे वहाँ रिप्लेसमेंट के लिए था TES लिखा तो वहाँ था कि रिप्लेस कर देना TEH को लिखते ही TH से, तो एडवांटेज के लिए रिप्लेसमेंट नहीं दिया हुआ। तो कैसे करेंगे, आपके पीसी में आपको फाइल टैब पे क्लिक करके ऑप्शन में जाओगे, फाइल पहले फाइल टैब फिर ऑप्शन फिर प्रूफिंग फिर ऑटो करेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपका वो ऑप्शन आएगा। और मेरे पास है, मैं यहाँ पे एडवांस सिंबल्स में ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे गई हूँ, तो यहाँ देखो ये आपका आ गया है ऑटो करेक्ट। अब जैसे ऑटो करेक्ट है उसमें देखो क्या क्या ऑप्शंस इसने हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे अपना कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, उसने देखो एडवांटेज का ए कैपिटल कर दिया और टी द का आपका क्या किया, द का टी बड़ा कर दिया था, तो यहाँ पे इसने रिप्लेसमेंट के लिए जैसे दे रखा है, यहाँ पे कहीं कहीं पे भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अगर अक्रॉस लिखना है, गलती से अगर ये लिखा गया है तो इसको इससे रिप्लेस कर दो, इसके को अगर गलती से ये लिखा गया है तो इसको आप इससे रिप्लेस कर दो। तो अगर इसी के ये हैं जैसे अबाउट मैं लिख रही थी, अगर ABOUT लिख रही हूँ उसकी जगह ABOUT लिख गया है तो उसको ऑटोमेटिकली अबाउट से रिप्लेस कर दो, इसको हम करके देख लेंगे। लेकिन एडवांटेज का कहीं पे भी इसने रिप्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, जैसे इसने दिया है एडवांसेस, एडवांटेज नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करना पड़ता है, आपको अगर दिया हुआ है तो वो रिप्लेस हो जाता है, अदरवाइज वो रिप्लेस नहीं होता है। ऐसे ही जैसे मैं यहाँ टी दबाती हूँ तो देखो TEH का इसने दिया हुआ है रिप्लेसमेंट THE, तो ऐसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ TA, मैं
लिखा एडवांटेज, कोई कोई किससे रिप्लेस करना है, GE, इससे आपको रिप्लेस करना है। मैंने कर दिया ऐड, ऐड कर दिया। इस टाइप से मैं ऐड कर सकती हूँ, ये ऐड हो गया है, ADVANTEGE को ADVANTAGE से रिप्लेस कर दो। तो अब इसको हम देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे TEGE स्पेस दिया, स्पेस देते ही देखो मैंने अगर बैकएंड में ऐड कर दिया था तो उसको स्पेस देते ही अब देखो इसने इसको चेंज कर दिया। तो इस टाइप से आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपका काम करता है। जैसे उसमें था अबाउट, गलती से अगर मैंने ये लिखा है स्पेस दूंगी तो ये अबाउट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका रिप्लेस हो गया है। तो ये इस तरीके से आप ऑटो करेक्ट फीचर को देख सकते हैं। ऑटो करेक्ट मैंने आपको बताया है, आपके पीसी में जाएगा, फाइल पे क्लिक करना है, फिर ऑप्शन में, फिर प्रूफिंग में, और फिर ऑटो करेक्ट पे क्लिक करके आप इस टाइप से आप अपना उसके डिक्शनरी में कुछ ऐड कर सकते हो। फिर आता है आपका डेट एंड टाइम। आप चाहते हो आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाए, तो मैं डेट एंड टाइम बेसिकली फुटर पे, हेडर या फुटर पे होना चाहिए। जैसे मैंने हेडर पे, तो हेडर पे डायरेक्ट जाने के लिए शॉर्टकट है ऊपर जाके डबल क्लिक कर दो, तो मैंने डबल क्लिक कर दिया। फिर आता है आपका डेट एंड टाइम, यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो आप फॉर्मेट ले सकते हो। जैसे यहाँ लिखा संडे 13 दिसंबर 2020, ओके किया, और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देती हूँ तो क्या होगा, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है और इस डॉक्यूमेंट को मैं नेक्स्ट डे ओपन करती हूँ तो यही डेट नहीं रहेगी, आपकी जो सिस्टम की डेट होगी, मतलब अगले दिन की डेट, मतलब वो डेट कौन सी डेट लेगा, जो आपके लैपटॉप में जो डेट आ रही है वो वाली डेट वो मेंशन करेगा कि उसमें 13 नहीं आएगा। अगर मैंने अगले दिन खोला है तो वो डेट चेंज हो जाएगी, 14 दिसंबर हो जाएगी। तो ऐसे करके हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया संडे 13 दिसंबर 2020, तो इस टाइप से आप डेट एंड टाइम भी चेंज कर सकते हो या कह सकते हो इंसर्ट कर सकते हो। जो भी फॉर्मेट आपको लेना है वो फॉर्मेट ले सकते हो। अब अगर इसको मैं नेक्स्ट डे खोलूँगी, मैंने अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक किया है, तो यहाँ 13 की जगह यहाँ मंडे हो जाएगा और 14 दिसंबर हो जाएगा। इस टाइप से आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। फिर आता है आपका इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बनाई है, पर आपको कहीं टेबल में ज़रूरत पड़ती है कि आपको कहीं इक्वेशंस एंटर करनी है तो आप इक्वेशंस भी एंटर कर सकते हो। उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, फिर आपका इक्वेशन इक्वेशंस पे क्लिक करोगे, जो भी इक्वेशन आपको लेनी है वो वाली इक्वेशन आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये ऐड किया तो ये सिंपली इक्वेशन ऐड हो गई है। जैसे हम एक्सेल में कुछ काम कर सकते हैं, सेम हम वर्ड में भी वो काम कर सकते हैं। एक्सेल में कुछ थोड़े से ज़्यादा फीचर्स होते हैं टेबल्स के लिए, अदरवाइज डॉक्यूमेंट के लिए हम इस पे सारे काम कर सकते हैं। इस टाइप से आपने ये एंटर कर दिया है, तो इस टाइप से आप कोई इक्वेशन है वो भी एंटर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, मतलब वीडियोस, पावर पॉइंट या एक्सेल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉप कैप क्या होता है और कैसे यूज़ में लेते हैं, ऑटो करेक्ट फीचर कैसे काम करता है, डेट एंड टाइम और इक्वेशंस कैसे ऐड करते हैं एक वर्ड फाइल में, ये हमने देखा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।